तो गाइस ये वाला देखो भाई, स्टड्स का ड्रिफ्टर भाई। और गाइस तुम्हारे भाई ने फाइनली हेलमेट ले लिया, ये वाला हेलमेट है। और ये मैं दिखाऊंगा बाद में, घर जाके खोल के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। हम लोग आ चुके हैं मार्केट जहाँ पे चिड़िया वगैरह सब मिलती है। वेलकम बैक टू अंडर व्लॉग, आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो अभी भाई मैं सौरव भाई के साथ आ रखा हूँ और हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद एक कुत्ता और चिड़िया पिंजरा सब लेने। देखते हैं तो थोड़ा घूम भी रहे हैं वैसे। और मैंने इस एक हाइलाइट्स में दिखाया होगा कि भाई मैंने आज हेलमेट ले लिया फाइनली। और वो जो मैं हेलमेट है वो एंड में दिखाऊंगा, अभी वो बॉक्स पैक करके हमने शॉप पे रख दिया। और मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, मेन जो स्टार्ट है वीडियो की। और बाइक को भी भाई मैंने काम करने के लिए वहाँ पर दे दिया। बाइक जो हो रही है ना मेरी मॉडिफिकेशन, उसका नाम मैंने रखा है प्रोजेक्ट रैप्टर। क्यों? कि मैंने भाई एक क्लिप में मैंने बताया था कि मैं अपने बाइक का कुछ नाम रखूँगा, और मैंने बाइक का जो नाम रखा है वो रखा है रैप्टर। माने अगर किसी ने जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क देखी हो, जिसे डायनासोर होते हैं रैप्टर, जो बहुत तेज भगते हैं, तो मेरी बाइक से रिलेटेड जो बाइक जो भगती है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है रैप्टर। तो कैसा लग रहा है भाई नाम, बाइक का नाम रैप्टर? और अपनी जो प्रोजेक्ट रैप्टर हो रही है 50% आपको इस व्लॉग में दिख जाएगी, बट बाकी जो उसमें प्रोजेक्ट मतलब जो काम हो रहा है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग ऐसे जामा मस्जिद जा रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, और हम लोग भी कुछ दिखा देंगे वहाँ पे भी। तो अभी के लिए चलते हैं और मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। भाई लड़कियाँ देख लो भाई, लहंगे ही लहंगे, मात्र 500 रुपया, और कॉन्टेक्ट नंबर ये वाला है। तो भाई तुम लड़कियाँ 20-50 हज़ार खर्च करते हैं, तो ये लोग भाई तुम लोगों को 500-500 रुपये में कितने सारे आ जाएंगे। तो भाई कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हम जामा मस्जिद साइड है, सीन चेक कर रहा है, कुछ ऐसी हालत है यहाँ पे। नो ऑफेंस बट इस एरिया में हमेशा मुझे ना ऐसा लगता है कि ट्रैफिक ही रहता है। ये जो नॉर्मल साइड मुस्लिम साइड होता है ना, हमेशा चाहे वो दिल्ली से हो, पुरानी दिल्ली हो, हमेशा ट्रैफिक ही ट्रैफिक। भाई अभी जामा मस्जिद पहुँचे, यहाँ पे भाई को चिड़िया का पिंजरा लेना है और कुत्ता लेना है। तो देखते हैं भाई, रिसर्च करते हैं यहाँ पे थोड़ा। और ये देखो भाई फाइनली यहाँ बाहर आ गए। भाई ये देख लो पीछे कैसे सीन, देख लो भाई हम लोग आ चुके हैं मार्केट जहाँ पे चिड़िया वगैरह सब मिलती है। बहुत लोग ये यूट्यूब में दिखा होगा भाई चिड़िया का मार्केट, हमारे इसमें भी देख लो भाई लोग ऐसे चिड़िया लेके जाते हैं। तो गाइस ये वाला देखो भाई, स्टड्स का ड्रिफ्टर भाई, ओनली 2400 और 25 की इसकी MRP है। सारे हेलमेटों की वो MRP है, इसकी 19 की है और इसकी भी 25 की है। ये दोनों ड्रिफ्टर हैं। और ये देख लो भाई हेलमेट्स, और गाइस तुम्हारे भाई ने फाइनली हेलमेट ले लिया। और वो हेलमेट है भाई, ये वाला हेलमेट है। और ये मैं दिखाऊंगा बाद में, घर जाके खोल के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। देख लो भाई बाइक पे तो काम हो गया, और क्या काम हुआ है तो दिख ही रहा होगा, कुछ अलग ही लग रही होगी। ये देखो भाई यहाँ पे भाई पूरा टायर ये बट्टे में गया था, ये पूरा का पूरा पेंट हुआ है, ये चेसी भी पेंट हुई है, यहाँ की पीछे वाला भी पेंट हुआ। और अभी हेलमेट भाई पीछे बंद रहा है, इसको लेके जाना है। एक बार इस साइड से भी दिखा देता हूँ। तो भाई अपनी प्रोजेक्ट रैप्टर हो चुकी है भाई कंप्लीट, बस रैपिंग वगैरह करानी है, वो भाई बहुत जल्द करा लेंगे। आज के लिए तो इतना ही भाई, ज़्यादा खर्चा हो गया इसी में, आसपास 10-12 तो लगी गए। तो बाकी भाई बस इतना ही रहेगा वीडियो में, बाकी आपको रास्ते में देखते हैं। मैं आ चुका हूँ भाई अपने घर, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में SMK का बॉक्स है। और भाई काफ़ी थक गया आज, सुबह से निकले हुए थे, अब जाके पहुँचे हैं रात में, मतलब वही अंधेरा हो गया, 8 बज चुके। अब इसको घर जाके दिखाता हूँ, मैं अनबॉक्सिंग कराता हूँ। और ये देखो ये खड़ी है भाई अपनी रैप्टर, और देख रहे हो बिल्कुल अलग हो गई। टायर चेसी दोनों टायर एलॉयज जो है बिल्कुल ब्लैक पेंट करा दिया भाई, बिल्कुल खर्चा तो हो गया तगड़ा। अब सभी के लिए भाई इतना ही, बाकी आपको
इसकी अनबॉक्सिंग करा के अभी दिखाता हूँ। अब इसको फाइनली अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ चुका है, तो खोलते हैं भाई, अब इसको दिखाते हैं। इसके MRP वगैरह भी बताता हूँ मैं लास्ट में। बॉक्स के अंदर तो कुछ है नहीं, बस ये हेलमेट है, SMK की बैग है। खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ना है, इसलिए नए चीज़ की खुशबू हमेशा नए चीज़ की ही होती है। तो इसके साथ भाई हमें किचन मिला है, SMK देख के तो पता ही चल गया होगा, ब्लैक कलर रखते हैं यहाँ पर। ये है भाई अपना SMK का जो मैंने लिया, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डिफरेंट भाई। ऐसा हेलमेट कितना ओके रिपोर्ट लग रहा है। इसमें एयर वेंट्स भी, यहाँ पे भी एक एयर वेंट है जो ऊपर से भी एक होता है, और इसका यहाँ चिन साइड से इसकी ये भी देखो, ये नोज़ के यहाँ पे रहती है। एंटी फॉग भी दे रखा है जिससे फॉग नहीं आएगा, और विंटर के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आता है। और अभी मैंने इसका ब्लैक वाइजर नहीं लगा क्योंकि मुझे नहीं लगा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वैसे अंधेरा वगैरह ज़्यादा होता है, और नाइट राइड और अर्ली मॉर्निंग राइड पे ब्लैक वाइजर काम नहीं आता, यही वजह काम आता है। और वो दूसरा वाला हेलमेट तो अपना वो पड़ा ही है, सेकेंडरी हेलमेट ऐसे यूज़ करेंगे, इसको सिर्फ राइडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसको एक बार मैं पहन के दिखा देता हूँ कि किस तरह लग रहा है। तो ये अब अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। तो ये इसका डबल वाइजर है, ऐसे कुछ आ जाता है ये, और ये इसकी बेल्ट, और ये इसका इसकी वाइजर। इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये इसकी MRP है भाई, और ये टाइफून सीरीज में आता है, और मैट ब्लैक है, 4850। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में अपने प्रोजेक्ट ड्राफ्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे आगे और काम करेंगे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, बाय।